Hi everyone, welcome back to my channel, and I hope you guys are doing well, staying safe, staying indoors. So for today's video, I will be sharing with you all that how you can use rose water in 5 different ways. Yes, you heard it right, you can use rose water in many multiple ways, and I am going to share with you all those 5 ways in which I like to use rose water. So before I start with the video, make sure that you subscribe to my channel if you haven't already, and hit the little notification bell which is just beside the subscribe button. And if you like my content, then make sure that you like it, share with your friends and families, and follow me on my Instagram handle, that is mahiarora_24. Kyunki main wahan pe bahut sara informative content post kar rahi hu, and I don't want you guys to miss it anyhow. So yes, do follow me there. And now, without wasting further ado, let's get started. बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप जो है मार्केट में, सिंस बहुत सारे रोज वाटर अवेलेबल हैं, बट मेक श्योर कि आप वही रोज वाटर यूज करें या वही रोज वाटर आप यूज करें जो कि आपको सूटेबल लगता है. बिकॉज मैं जो है इस वीडियो में जो आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल कि मैं अपने डाबर प्रीमियम रोज वाटर, जो गुलाबरी प्रीमियम रोज वाटर है, उसे कैसे यूज करती हूँ, सिंस मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है. बट दिस वन हैड बीन माई फेवरेट फ्रॉम अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, बेसिकली from the time when I started doing makeup and when from the time when I started doing skincare. ये मेरा हमेशा मेरी list में रहा है. And you all know कि मैं like I used to have so many toners, but मैंने जो है इसके बाद जो rose water पे switch in कर लिया, because I feel कि rose water से ज़्यादा अच्छा कुछ भी work नहीं करता जिस तरीके से ये वाला rose water work करता है. So in case अगर आपको जो है ये वाला rose water suit करता है, तो it's well and good. Otherwise जो है मैं और भी कुछ rose water के options जो हैं वो अपने description box में दे दूँगी. So in case आप एक अच्छी brand का rose water जो आप देख रहे हैं, जो कि अफोर्डेबल भी है और आप उसे जो है इजिली बाय भी कर सकते हैं, तो आप वो लिंक्स को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे एंड वो काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छी क्वालिटी के भी हैं एंड वर्क भी बहुत अच्छा करेंगे. फॉर द फर्स्ट यूज आप जो है रोज वाटर को यूज कर सकते हैं एज अ टोनर. Without any surprise, definitely you can use a rose water as toner. In fact, अगर आप beginner हैं skin care में, या आप एक teenager हैं, या आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको जो है skin care के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन they want to start doing skin care now, क्योंकि it's high time that we should all indulge in skin care, a good skin care, and आपको कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट से expensive products खरीदने की या online expensive products खरीदने की, क्योंकि रोज वाटर जो है बहुत 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 अच्छा काम करता है एज अ गुड टोनर. और बेसिकली टू फिल इन योर पोर्स विद सम रियली गुड इंग्रेडिएंट्स, एंड आपके यू नो स्किन को ग्लोई बनाता है, ब्राइट बनाता है, इट जस्ट टेक्स अवे ऑल द डलनेस, एंड इट जस्ट बेसिकली एग्जैजरेट्स अ लॉट टू योर क्वालिटी ऑफ स्किन. मैं भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, इट इज एक्चुअली अ फैक्ट ही रोज वाटर जो है बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, स्पेशली वेन यू हैड एडेड रोज वाटर एज अ टोनर. या आप जो है फेस पैक बना रहे हैं, आप उसमें नॉर्मल वाटर की जगह अगर आप रोज वाटर डालेंगे, तो भी जो है बहुत ज्यादा उसके यू नो इट जस्ट डबल्स अप विद द क्वालिटी एंड इट जस्ट डबल्स अप विद इट्स इफेक्ट. सो डू ट्राई इट आउट. अगर जो है अभी तक आप जो है रोज, आपको नहीं पता था कि आप टोनर कौन सा खरीदे, तो आप रोज टोनर रोज वाटर से ही जो आप शुरुआत कर सकते हैं एज अ टोनर. और टोनर को जो है आप चाहे आप एक स्प्रे फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, या जो है एक कॉटन पैड पर या कॉटन बॉल के ऊपर जो है आप थोड़ा सा स्प्रे करके रोज वाटर, आई मीन उसके ऊपर पुट थोड़ा सा रोज वाटर डाल के, देन यू कैन जस्ट कम्प्लीटली पैट इट ऑन योर फेस, फोकसिंग मोर ऑन द एरिया जहां पे आपके ओपन पोर्स हैं, जो कि यूजली हमारे इस एरिया में हमारे ओपन पोर्स होते हैं. एंड ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन स्किन टू स्किन, आपके पोर्स कितने ओपन हैं, कितने लार्ज पोर्स हैं, इट डेफिनेटली मैटर्स टू स्किन टू स्किन. तो आपके जितने ज्यादा ओपन पोर्स हैं, और सिर्फ ओपन पोर्स ही नहीं, बेसिकली पूरे फेस पे आप लगाइए टोनर को, और आप चाहे उसे स्प्रे फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, या जो है कॉटन बॉल या कॉटन के पैड के ऊपर डालकर आप जो है अपने फेस के ऊपर स्लाइटली आपको पैटर्न करना है. पैटर्न यानी कि आपको हल्का हल्का ऐसे प्रेसिंग करना, आपको उसको रगड़ना नहीं है, बिकॉज रगड़ने से वो चीज बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी और उसका फायदा भी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा. सो मेक श्योर दैट यू पैट इट वेरी प्रॉपरली. और अगर आप स्प्रे फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं रोज वाटर को, तब भी जो उसे ड्राई होने दीजिए अपने आप, और हल्का हल्का उसे पैट कर दीजिए अपनी फिंगर्स की हेल्प से, ताकि जितना रोज वाटर है वो आपके यू नो पोर्स में, आपके स्किन में अच्छे से सेटल इन हो जाए और आपके फेस को अंदर से ग्लोई मिले. सो फॉर द सेकेंड वे, यू कैन यूज रोज वाटर एज मेकअप सेटिंग स्प्रे. यस, आप मेकअप सेटिंग स्प्रे के तौर पे भी जो है आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं. बहुत से लोग ऐसे से हैं जो कि मेकअप बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, जो लगाते हैं लाइक
महीने में एक आध बार लगा लिया जस्ट बिकॉज दे हैव टू गो आउट, या कुछ स्पेशल चीज है तो इसलिए आपने मेकअप यूज कर लिया है, लेकिन वो ये सोचते कि यार हम मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है हम क्यों यूज करें, हमें क्या जरूरत है मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज करने की. वेल, यू डोंट नीड टू. अगर आप जो है महीने में एक बार मेकअप यूज कर रहे हैं और ऐसे में आप एक्सपेंसिव ब्रांड्स पे आप खर्चा करके जो है आप मेकअप सेटिंग स्प्रे ला रहे हैं जो कि हार्डली आपको एक या दो साल चलेगा या उससे जल्दी ये चीजें बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं. सिंस गर्मियां इतनी ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा टाइम तो आप ऐसे भी नहीं रख पाओगे क्योंकि गर्मियों की वजह से जो है बहुत जल्दी जो है यू नो ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो खराब होने लग जाते हैं. तो ऑल इन ऑल जो है वो चीज जो है एट द एंड खराब हो जाती है. सो इट्स बेटर कि आप कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं खरीदे, रादर यू यूज जस्ट यूज योर रोज वाटर एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे. आप नॉर्मली रोज वाटर को जो है मेकअप जैसे आपने पूरा कर लिया उसके बाद एक स्प्रे फॉर्म में जो आपने स्प्रे बॉटल में जो आपको उसको डालना है और आपको अपने पूरे फेस पे उसे जो है स्प्रे कर देना है और आपका पूरा मेकअप जो है वो बहुत टाइम तक जो है उसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी. एंड इट एक्चुअली हैपेंस. जब मैं भी जो है स्टार्टिंग में व्हेन आई डोंट यूज टू हैव मेकअप सेटिंग स्प्रेज, मेरे पास नहीं होते थे, तो मैं जो सिंपली अपने टोनर को, क्योंकि मैं टोनर में रोज वाटर ही यूज करती थी, तो उसको सिंपली उसी को जो स्प्रे कर लिया और वो पूरे दिन आराम से चल जाता था. इनफैक्ट एक ये भी यूज है कि अब जैसे सिंस गर्मियां हैं ऑल दो हम बाहर तो हम नहीं निकल सकते, लेकिन पूरे दिन में हम फेस वॉश तो कर नहीं सकते कि भाई अब पसीना आ रहा है अब गर्मी लग रही तो जाके फेस वॉश कर लो. नो, उससे बेटर यही है अगर आपको रिफ्रेशिंग फील करना है आप नॉर्मली अपने रोज वाटर को आप फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आपको गर्मी लगे तो थोड़ा सा आपने उसको स्प्रे कर लिया and you will feel so much refresh. और कोई बुराई तो है नहीं, बल्कि normal water से spray करने की बजाय जो है ये normal water से face धोने की बजाय जो आप उसको स्प्रे करें उसकी इंग्रेडिएंट्स जो अच्छी चीजें हैं उसके अंदर वो भी आपके ऊपर फेस पे जाएंगे एंड मोर ओवर वो आपकी यू नो ऑल इन ऑल जो आपके फेस को और एक अच्छा हेल्दी लुक देने में हेल्प करेगा. फॉर द थर्ड वे यू कैन यूज रोज वाटर एज मेकअप रिमूवर. नाउ यू विल से कि अरे रोज वाटर जो हम मेकअप सेटिंग स्प्रे के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि उसका काम भी हम बढ़ा रहे हैं और उसको हटाने के लिए भी हम मेकअप रिमूवर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं रोज वाटर. वेल येस, अगर आप चाहें तो आप रोज वाटर के अंदर जो है थोड़ा सा आप यू नो कोकोनट ऑयल या जो भी ऑयल आपके फेस पे सूट करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सरसों का तेल या हैवी बेस्ड जो हेयर ऑयल होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ. बल वैसे भी जो है मैं ऑयल्स प्रेफर नहीं करूंगी, आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप यूज करें अपने फेस पर, क्योंकि ऑयल से जो है स्पेशली जब आप मेकअप रिमूव कर रहे हैं तो ऑयल जो है बहुत ज्यादा आपके पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं. तो इट्स बेटर कि आप ऑयल से दूर रहें. लेकिन अगर आप फेशियल ऑयल्स यूज करें जो कि डेफिनेटली अलग टाइप से बनाए जाते हैं, अगर आप वो यूज करें, अगर आपके पास वो चीज है, तो आप उसके अंदर आप थोड़ा सा रोज वाटर एड इन करके जो है आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं. दैट विल बी रियली बेनिफिशियल. लेकिन जो है आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जो है कोकोनट ऑयल में रोज वाटर मिलाकर अपना फेस मेकअप रिमूव करें, क्योंकि एट द एंड वो आपके मेकअप को तो रिमूव कर देगा क्योंकि उसके अंदर कोकोनट ऑयल भी है और मेकअप रोज वाटर भी है, लेकिन वो आपके पोर्स को इतना ज्यादा क्लॉक कर देगा एंड मोर ओवर आपके पिंपल्स बढ़ने के चांसेस हैं, आपको फेस डल लगने के चांसेस हैं. सो प्लीज अवॉइड दैट थिंग. बट जो है आप रोज वाटर को सिंपली अपने कॉटन पैड पर या कॉटन बॉल पर या किसी भी एक माइक्रोफाइबर क्लोथ जिससे जो आप अपना फेस जो है वॉश करने वाले हैं या फेस को आप यू नो रब करने वाले हैं मेकअप उतारने के लिए, वो बस सिंपली आपको रोज वाटर डालना है और उसके बाद जो आपको अपना मेकअप रिमूव करना है वो भी उतना ही अच्छा वर्कआउट करेगा जितना जो है आप फेशियल ऑयल के अंदर मिक्स करके आप यूज करने वाले हैं, वैसा ही वर्कआउट करेगा. बट ऑब्वियसली उसे एक दो लेवल कम, बट स्टिल यू कैन यूज रोज वाटर एज अ मेकअप रिमूवर. फॉर द फोर्थ वे यू कैन यूज रोज वाटर फॉर योर आईज. दैट इज, अब जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कुछ लोगों के पास आई ड्रॉप्स नहीं होते तो वो रोज वाटर जो अपने आईज में डाल दे रहे, विच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि रोज वाटर का कोई नुकसान तो है नहीं, फायदे ही फायदे हैं, तो आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं. लेकिन मैं इनर ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही, मैं आउटर ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ. कभी कभी ऐसा होता है हमारी आंखें बहुत थकी थकी लगती हैं या बहुत यू नो सूजी हुई लगती हैं, बहुत पफी होती हैं, टायर्ड होती हैं, बहुत ही एग्जॉस्टेड होती हैं, या आपको लगता है आपकी आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, जैसे आपने बहुत देर आप टीवी के आगे बैठे हैं, मोबाइल के आगे बैठे हुए हैं, बहुत देर से आप यूज कर रहे हैं अपना फोन, वैसे में इट्स वेरी कॉमन कि आपकी यू नो आईज जो है वॉटरी हो सकती हैं. सो या आप बहुत बाहर तो खैर नहीं आप निकल रहे हैं, बट फिर भी जैसे कभी कभी होते हैं कि आपको लगता है अरे बहुत यू नो पसीना सा आ रहे हैं आंखों में और बहुत ऐसे खुल नहीं रही हैं आंखें, तो उसके लिए यू कैन जस्ट सिंपली डू कि आप कॉटन पैड पर या कॉटन बॉल के ऊपर जो है थोड़ा सा रोज वाटर रखिए. अगर आप उसको फ्रिज में रखते हैं रोज वाटर को तो वेल एंड गुड, क्योंकि ठंडा ठंडा आपके आईज पे लगेगा तो बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा, आपको अच्छा ठंडक भी देगा और काम भी अपना करता रहेगा. तो अगर आप वैसे करें तो आप
सिंपली रोज वाटर को डालिए कॉटन पैड पे या कॉटन बॉल पर, उसे अपने आइस पे रखे, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए, जैसे कि हम कुकुम्बर के साथ करते हैं, यानी कि खीरे के साथ करते हैं। यूजुअली अब गर्मियां हैं तो हर कोई जो है कोई ना कोई तो मतलब बेसिकली कर ही रहा है, लाइक मेरे घर में तो होता है मुझे पता है, और मैं अभी करती हूँ कि कुकुम्बर के दो स्लाइसेस रख ली, चलो अभी सैलड में कट रहा है, दो स्लाइसेस रख ली और फ्रिज में रख दी, ताकि जब हम बाद में चलो काम वाम खत्म करके उसको अपनी आइस पे रखें, हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप रोज वाटर को भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा आपकी आइस की पफिनेस को, आपकी आइस की टायर्डनेस को रिमूव करने में। और इनकेस अगर आपको लगता है जैसे आपकी आइज में स्वेलिंग रहती है यूजुअली, या आपको जैसे कभी कभी हमारे आइज में स्टाई हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम में भी जो आपको जो है रोज वाटर बहुत ही हेल्प आउट कर सकता है उस चीज को दूर करने। फॉर द फिफ्थ वे विच इज गोइंग टू बी ऑल रिलेटेड टू योर हेयर एंड दैट इज कि आप जो है रोज वाटर को, अगर आपको लगता है कि आपके हेयर बहुत ही फ्रिजी रहते हैं, बहुत डैंड्रफ रहती है, बहुत डल रहते हैं, या आपको लगता है कि बहुत यू नो उनमें वो बात नहीं रही है, बहुत ऐसे उनकी जान सी चली गई है, ऐसे से अगर आपको आपके हेयर लग रहे बेजान से सूखे मुरझाए हुए ऐसे, तो ऑल यू कैन डू इज जैसे आपने शैम्पू कर लिया उसके बाद कंडीशनर लगाने से पहले जो है, या कंडीशनर लगाने के बाद जो है, आप जो है सिंपली अपने यू नो मग में थोड़ा सा आपने रोज वाटर डालना है, और हल्का सा उसको चाहे आप पानी भी आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप रोज वाटर डाल सकते हैं, एंड उसको जो आपको सिंपली अपने हेयर पे डालना है एंड जस्ट रिंस इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर, या अगर आप डाइल्यूट करके कर रहे हैं तो कोई उसको रिंस करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर ऑल वो डाइल्यूटेड है और आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी उसे रिंस ऑफ करने की। बट अगर आप चाहें तो आप शैम्पू, जैसे आपने शैम्पू भी आप यूज करें, तो उसके अंदर भी आप थोड़ी सी रोज वाटर के ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ताकि उसका इफेक्ट जो है और ज्यादा बेटर हो जाए, और इससे जो है ये होगा कि आपके हेयर बहुत ही शाइनी लगेंगे, ग्लॉसी लगेंगे, एंड मोर ओवर जो आपके हेयर में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देने में इट विल आल्सो हेल्प, क्योंकि रोज वाटर की डेफिनेटली आई टोल्ड यू ऑयल के फायदे ही फायदे हैं। तो ये तरीका आप जरूर करिए, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करा के देख लिए हैं, स्पा लेके देख लिए, इतने एक्सपेंसिव यू नो हम शैम्पूज यूज कर रहे हैं, हेयर मास्क यूज कर रहे हैं, कंडीशनर यूज कर रहे हैं, बट स्टिल वो बात बन नहीं रही है, तो आप रोज वाटर के साथ ये DIY करके जरूर देखिए, आई एम श्योर इट गोना हेल्प यू। इसके अलावा एक और चीज जो है विच इज लाइक अ टिप, या आप कह सकते हैं कि एक जस्ट एन एडिशनल टिप जो कि मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, अगर आपको जो है रात में सोने में प्रॉब्लम होती है और आपको लगता है कि आपको नींद ठीक से नहीं आती है, तो आप सिंपली थोड़ा सा रोज वाटर जो इफ यू आर कंफर्टेबल विद द स्मेल ऑफ रोजेस, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रोजेस की स्मेल जो बर्दाश्त नहीं होती, कभी कभी जैसे बहुत स्पेशली रोज वाटर्स में जो है बहुत ज्यादा जो है फ्रेग्रेंस होती है रोज की, तो ऐसे में जो है अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही आप ये यूज करिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, सोते टाइम जो है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत नींद नहीं आती है, या यू आर काइंड ऑफ यू नो इंसोमैनियाक, तो आप उसके लिए जो आप क्या कर सकते हैं, रोज वाटर की जैसे स्प्रे बॉटल में अगर है तो उसके थोड़े बहुत ड्रॉप्स जो है आपने अपने पिलो पे स्प्रे कर दीजिए, या उस एरिया के आसपास स्प्रे कर दीजिए जहां पे आप सोने वाले हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि रोजेस की स्मेल हो, और थोड़ा यू नो इफ यू बिलीव इन मेडिटेशन इन नाइट, एंड अगर आपको लगता है आप रात में सोने से पहले सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, बहुत ही कामिंग म्यूजिक सुनते हैं, तो ऐसे में रोजेस की स्मेल हो और कामिंग म्यूजिक हो, काम म्यूजिक हो, तो इट विल जस्ट एड अप अ लॉट ऑफ बेनिफिट, और आपको जो है सोने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। That's it for today's video. I hope आपको अच्छी जो है वीडियो पसंद आई होगी। Please do let me know your thoughts about it in my comment section below. And अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड हिट द लिटिल नोटिफिकेशन बेल, एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye. Take care.